व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की श्रृंखला सुरीले कलाकार में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं ऐसे कलाकारों की जिन्हें आप अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में कभी न कभी गाने भी गाए हैं। भले ही उन गानों की संख्या अधिक न हो, लेकिन ये तो पता चल ही जाता है कि अभिनय और संवाद अदायगी के अलावा इन चहेते कलाकारों के गले में सुर भी है। आज हम बात करेंगे अभिनेता दिलीप कुमार की। पेशावर शहर में 11 दिसंबर 1922 को जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान का परिवार विभाजन के बाद मुंबई आकर बस गया। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। वहीं देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्हें अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जारभाटा से की, जो वर्ष 1944 में आई। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी, जो 1947 में रिलीज हुई। फिल्म जुगनू में गायक मोहम्मद रफी ने अभिनय करते हुए खुद अपने लिए एक गाना भी गाया था। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए, जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक दिलीप कुमार की एक गायक बनने की इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण भी लिया था, लेकिन ये प्रतिभा उनके मन के किसी कोने में दबी रह गई। उनके भीतर छिपे कलाकार को बाहर आने का मौका मिला और वो हिंदी फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बन गए। कहते हैं प्रतिभा कभी छिपती नहीं, कभी न कभी सामने आ ही जाती है। यही हुआ अभिनेता दिलीप कुमार के साथ, और तब उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक शास्त्रीय गीत प्रस्तुत किया, जो उन्होंने अपनी फिल्म में खुद के लिए गाया था। 1957 की फिल्म मुसाफिर का ये गीत काफी मुश्किल और पारंपरिक राग पर आधारित था। संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को अपनी मनोदशा में कुछ गुनगुनाते हुए सुनने के बाद संगीतकार सलील चौधरी ने उन्हें फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए लता मंगेशकर के साथ गाने के लिए कहा। दिलीप कुमार सलील चौधरी का बहुत आदर करते थे, इसलिए उनकी बात मानते हुए दिलीप कुमार ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गीत गाया। ये गीत उन्होंने पहली बार फिल्म के लिए गाया था, लेकिन गीत को सुनकर यही लगता है कि जैसे किसी प्रशिक्षित और अनुभवी शास्त्रीय गायक ने इस गीत को गाया है। गीत में शब्द थे लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। ये गीत दिलीप कुमार के भीतर छिपी उनकी गायकी की प्रतिभा को उजागर करता है। उनकी इस प्रतिभा की साक्षी लता मंगेशकर ने कहा भी कि दिलीप कुमार की आवाज बेहद सुरीली है। मुसाफिर फिल्म में एक शानदार प्रतिभाशाली टीम थी, जिसमें पटकथा लेखक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ऋत्विक घटक, राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद और शैलेंद्र के लिखे हुए गीत थे। निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी की ये पहली फिल्म थी और कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। मुसाफिर फिल्म के बाद दिलीप कुमार ने कुछ एक फिल्मों में फिर अपनी गायकी की प्रतिभा का परिचय दिया। 1947 में सगीना फिल्म में दिलीप कुमार ने किशोर कुमार के साथ एक गाने में अपनी आवाज दी। गाना था ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। संगीतकार एसटी बर्मन और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। 1986 में सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार ने एक गीत के लिए अपनी आवाज दी। दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। इस गीत को उन्होंने मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के साथ गाया था। दिलीप कुमार ने भले ही गायकी को अपने शौक तक ही सीमित रखा, लेकिन उन्हें संगीत की गहरी समझ थी। कई बार फिल्म में उन्हें गाते हुए देखकर ऐसा लगता है कि वो गीत कोई पार्श्व गायक नहीं बल्कि वो खुद गा रहे हों। इस बारे में एक बार सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने कहा भी था कि जब वो दिलीप कुमार को फिल्म कोहिनूर में मधुबन में राधिका नाचे रे गाता हुआ देखती है, तो ऐसा लगता है वास्तव में दिलीप कुमार खुद गा रहे हों, न कि रफी साहब। व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की श्रृंखला सुरीले कलाकार की अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी और कलाकार की बात करेंगे, जिनकी पहचान एक अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में है, लेकिन उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्मों में गीत भी गाए हैं। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।